नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है तपावर बुक में। आज की बुक समरी है मास्टर योर इमोशंस, जिसे लिखा है थिबॉट म्यूरिस ने। क्या आप खुद पर तरस खाते खाते थक चुके हैं? क्या आप हमेशा उदास और परेशान रहते हैं? इन सवालों का एक कॉमन जवाब है कि आप अपने इमोशन को गलत तरह से प्रोसेस कर रहे हैं। आपको अपने इमोशंस को अनदेखा नहीं करना चाहिए और ना ही उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करना चाहिए। ये समरी आपको अपने नेगेटिव इमोशंस से छुटकारा पाकर लाइफ में खुश रहने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वन से, हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म अफेक्ट्स योर इमोशंस। आपकी आज की लाइफ आपके पूर्वजों की लाइफ से बहुत अलग है। आपको खाने के लिए जंगलों में जाकर जानवरों का शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप मार्केट से उसे आसानी से खरीद सकते हो। आपको किसी जानवर से छिपने या डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके घर में घुसकर आपका शिकार नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर अभी भी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो अभी तक गया नहीं है। जब आप खतरे में होते हैं तो ये मैकेनिज्म आपको भागने की एनर्जी देता है। सेम यही मैकेनिज्म है जो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इवेंट्स को याद रखता है। आपके पूर्वजों के टाइम पर जो नेगेटिव इवेंट्स होते थे उनका नतीजा ज्यादातर खतरनाक होता था। जैसे कि मान लो कोई कबीला अगर आपको अपनाने से इनकार कर देता था तो आपके जिंदा बचने के चांसेस काफी कम हो जाते थे, क्योंकि कौन आपको जानवरों के हमले से बचाता और अपना खाना आपके साथ शेयर करता। नेगेटिव इवेंट्स अभी भी लोगों को इमोशनल तकलीफ देते हैं, फिर भले ही इसमें जान का खतरा ना हो तो भी। जब आपके बॉस आपको डांटते हैं तो आपको आज भी बुरा लगता है। आप आज भी उदास हो जाते हो जब आपका फ्रेंड आपसे बात नहीं करता। इस नेगेटिविटी बायस ने हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने में हेल्प की थी, लेकिन अब ये आपकी हेल्प नहीं करेंगे। अगर आपका बॉस आपके काम को क्रिटिसाइज करता है या आपका फ्रेंड आपसे बात करना बंद कर देता है तो आपकी जान नहीं चली जाएगी। लेकिन इमोशनल पेन एक ऐसी चीज है जिससे हमें तकलीफ होती है। आपको इस डिस्कम्फर्ट से बचने और खुश रहने के लिए नेगेटिविटी बायस से एक्टिव होकर लड़ना होगा। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी लाइफ काफी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट चैप्टर है द नेचर ऑफ इमोशंस। अपने इमोशंस को हैंडल करना ट्रिकी हो सकता है, खासकर तब जब वो नेगेटिव होते हैं। आप तुरंत अपने गुस्से या फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी कोशिश कर लें। लेकिन अपने इमोशंस को हैंडल करना पॉसिबल है, ये समझ कर कि ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे पेनिलोप को ये सोचकर चिड़चिड़ाहट होती थी कि वो देर से उठी, इसके बाद उसे जल्दी जल्दी नहाना पड़ता है, ब्रेकफास्ट करना पड़ता है और काम पर भागना पड़ता है। इस फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग से वो जल्दी बाहर नहीं आ पाती है। अगर वो खुद को बोल भी दे कि उसे इस चीज से बाहर निकलना चाहिए तो भी ये तरीका काम नहीं करता है। इसके बजाय पेनिलोप खुद को अपने इमोशन से डिटैच यानी अलग कर सकती है। वो बोल सकती है कि हाँ, जिस तरह से मेरा दिन शुरू हुआ है उससे मुझे चिढ़ हो रही है, लेकिन ये इरिटेशन धीरे धीरे दूर हो जाएगी और मैं फिर अच्छा फील करने लगूंगी। इमोशंस आते जाते रहते हैं। आप अभी जो फील कर रहे हो वो हमेशा नहीं करने वाली। नेगेटिव इमोशंस बुरी चीज नहीं है, इन्हें आप इतना भी बेकार मत समझो। कई बार ये आपके लिए एंकरेजमेंट का कारण भी साबित होते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए। हार की फीलिंग आपको अगली बार और ज्यादा मेहनत करने के लिए पुश करती है। किसी अपने का खोना आपको उन लोगों की कदर करवाना सिखाता है जो आपके पास अभी हैं। अगर आप अभी भी नेगेटिव इमोशंस से डील करते करते परेशान हो चुके हैं तो उस टाइम को याद करो जब आपने उन्हें पास्ट में एक्सपीरियंस किया था। आप इस चैलेंजिंग सिचुएशन को पहले भी फेस कर चुके हैं और तब भी आप उससे निकल पाए थे। चाहे आपको कितना भी बुरा क्यों ना लग रहा हो, आपको पता होना चाहिए कि फीलिंग भी चली जाएगी। नेगेटिव इमोशंस से डील करने का एक और हेल्दी तरीका है कि इस बात को याद रखें कि ये आपको डिफाइन नहीं करते। अगर आप डिप्रेस्ड हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिप्रेशन है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप एक फेलियर हो जो आपको अभी फील हो रहा है। फिर से याद दिला दें कि आपको खुश रहने के लिए एक्टिव होकर पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना होगा। क्या आपने ये कहावत सुनी है, आप जो सोचते हो उसी को अट्रैक्ट करते हो? ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेट दोनों पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट चैप्टर है चेंजिंग योर इंटरप्रिटेशन। एक्सटर्नल फैक्टर सिर्फ आपकी खुशी के लिए 10% जिम्मेदार होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के एग्जाम्पल में आता है कि आपके पास कितना पैसा है। दूसरा एग्जाम्पल होगा लाइफ में कोई चीज अचीव करना, जैसे कि 30 से पहले शादी कर लेना। ज्यादा स्पेसिफिकली बोले तो ये चीज है अजम्पशन यानी अनुमान कहलाती है। ये अजम्पशन चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो फिर भी आप पर असर डालते हैं। यही वजह है कि आपको इन चीजों को अलग नजरिए से देखना होगा। नीचे कुछ कॉमन बिलीव्स के बारे में बताया गया है। ये एक प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम जो आप अभी फेस कर रहे हैं सच में प्रॉब्लम ना हुई तो
कैटी ने यह अपवाह सुनी थी कि शायद उसे जॉब से निकाला जा सकता है। शुरू में उसने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन फिर उसने इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा कि वो अपनी ड्रीम जॉब को फॉलो कर सकती है। मुझे शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए, यह एक्सपेक्टेशन आमतौर पर पेरेंट्स और सोसाइटी की तरफ से की जाती है। सिर्फ इसलिए कि लोग ऐसा बोल रहे हैं इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आपको सच में ऐसा करना चाहिए। शादी करना और बच्चे पैदा करना आपकी अपनी मर्जी से होना चाहिए, ना कि दूसरों के प्रेशर में आकर। मुझे फ्यूचर के बारे में सोचकर डर लग रहा है। हर किसी को डर लगता है, फ्यूचर के बारे में सोचकर सबको डर लगता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन इसके बारे में ज्यादा सोचकर परेशान होने का कोई फायदा भी तो नहीं है। फ्यूचर को लेकर आपकी चिंता से कुछ बदलने वाला नहीं है, इसके बजाय प्रेजेंट पर फोकस करो। आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देकर अपना बेस्ट कर सकते हो। इस बात पर ध्यान दो कि आपके साथ जो चीजें होती हैं उसे आप कैसे देखते हैं। अगर आप अपनी बदकिस्मती के लिए लोगों को या हालात को ब्लेम करते हो तो अभी इस हैबिट को बदलने की जरूरत है। अपने एक्शन की जिम्मेदारी आपको खुद लेना सीखना होगा। आपके साथ क्या होगा और क्या नहीं, इस पर आपको कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप अपने रिएक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज तय करेगी कि आप खुश रहेंगे या दुखी। नेक्स्ट चैप्टर है लेटिंग गो ऑफ योर इमोशंस। लाइफ में अगर खुश रहना है तो अपनी इमोशंस को दिल में दबाकर मत रखो। गुस्सा, कड़वाहट और बाकी नेगेटिव इमोशंस आपको मेंटली और इमोशनली डैमेज कर सकती हैं। इससे पहले के चैप्टर्स में हम ये चीजें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी नजर आते हैं। जैसे कि जब आपको गुस्सा आता है तब आप कैसा फील करते हैं, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपकी हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं, आपको गर्मी महसूस होने लगती है और आप किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को दिल में दबा कर ना रखें। सबसे पहले अपने इमोशंस को खुद से अलग करके ऑब्जर्व करो। जब पेनी के बॉस ने तीसरी बार उसके काम में करेक्शन किया तो उसे बड़ा स्टूपिड जैसा फील हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो ये जॉब और पोजीशन डिजर्व ही नहीं करती है। ऐसे में पेनी के लिए स्टूपिड फील करना नॉर्मल था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो खुद को इस फीलिंग से डिटैच यानी अलग रखेगी। सेकंड, अपने इमोशन को एक लेबल दो। इमोशन को एक ऐसी चीज समझो जो टेम्परेरी है। जैसे आप कोई कपड़ा पहनते हो तो उसे बदलते भी हो। इमोशंस आपको डिफाइन नहीं करते। अपने इमोशंस को देखने का नजरिया चेंज करने के लिए उस चीज पर वापस जाओ जो पेनी ने किया था। ये सोचने के बजाय कि मैं दुखी हूँ, इस स्टेटमेंट को एकदम अलग तरीके से फ्रेज करो, जैसे मुझे दुख हो रहा है या मुझे दुख महसूस हो रहा है। ये चीज आपके और आपके इमोशन के बीच कुछ दूरी क्रिएट करेगी। इस तरह आपके लिए उनसे दूर होना आसान हो जाएगा। थर्ड, अपने इमोशंस को पकड़ कर मत रखो, उन्हें जाने दो। ये समझो कि ऐसे दो कारण हैं जिनकी वजह से आप अपने इमोशंस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। पहला ये कि ये उस स्टोरी या उन बातों को और मजबूत कर देता है जो आप खुद को सुनाते हो। जब आप उदास होते हो तो उस वक्त आप और ज्यादा दुखी फील करना चाहते हो। ये बड़े अफसोस की बात है कि आमतौर पर लोगों के अंदर खुद को तकलीफ पहुंचाने की टेंडेंसी होती है। दूसरी बात, आपको लगता है कि आप अपने इमोशंस हो, लेकिन आपको पता है कि ये बातें क्यों सच नहीं है। आप तब तक परेशान रहोगे जब तक आप खुद को अपनी फीलिंग्स के साथ जोड़ना बंद नहीं करोगे। फोर्थ, अपने इमोशंस को लेट गो करने के लिए द सेडोना मेथड सीखो। ये मेथड हेल डुअल स्किन की बुक का एक कॉन्सेप्ट है। ये आपको तीन अलग अलग तरीके से इमोशंस को रिलीज करने में हेल्प कर सकता है। पहला तरीका है, अपने इमोशंस को पकड़ो मत। नेगेटिव इमोशंस को कभी पकड़ कर नहीं रखना चाहिए, उन्हें निकल जाने दो। सेकंड तरीका है कि उन इमोशंस को अपनी लाइफ में एक स्पेस बनने दो। ऐसा करके आप जो महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उनसे चिपके नहीं रहते या उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने दे रहे, बस आप उन्हें आने दो। थर्ड तरीका है, उन्हें वेलकम करो। इसमें आप बिना किसी जजमेंट के अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें करीब से ऑब्जर्व करके आप जान पाओगे कि ये इमोशंस आखिर कहां से आ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ इमोशंस कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। इमोशंस आते जाते रहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो टेम्परेरी है इसका मतलब ये नहीं कि ये आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकते। कोई भी लाइफ में अनकंफर्टेबल या दुखी फील नहीं करना चाहता है ना? लेकिन ये फीलिंग्स कई बार एक साइन भी हो सकती है। इमोशंस आपको एक मैसेज भेजते हैं और आपको उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हैरियट हमेशा स्ट्रेस में रहती है। उसे किसी भी चीज से खुशी नहीं मिलती, ना अपनी जॉब से, ना अपने रिलेशनशिप से और ना ही अपनी अचीवमेंट से। फिर अचानक एक दिन हैरियट ने डिसाइड किया कि वो एक नए शहर में रहने चली जाएगी। ये हैरियट की लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो हर रोज नई सुबह का इंतजार करती थी, छोटी छोटी चीजों में भी उसे खुशी मिलने लगी। हैरियट आज से पहले अपनी लाइफ में इतनी खुश कभी नहीं हुई थी। अपने इमोशंस को समझने के लिए सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है।
हैरियट ने अगर अपनी फीलिंग्स को अनदेखा किया होता तो वो अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन कभी नहीं ले पाती। उसे पता था कि उसे अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, और अगर हैरियट ये मानने से इनकार कर देती कि वो ना खुश है तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी देता है। यह आइडिया जिम डिटमर और डायना चैपमैन की बुक द 15 कमिटमेंट्स ऑफ कॉन्शियस लीडरशिप से लिया गया है। सेल्फ अवेयरनेस एक सिंगल लाइन यूज करके प्रैक्टिस किया जा सकता है। जो भी आप सोचते, फील या बिहेव करते हो, खुद से पूछो क्या वो लाइन से ऊपर है या नीचे। लाइन से ऊपर का मतलब है कि आप इस बात के प्रति सेल्फ अवेयर हो कि आप क्या कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो। अगर आप क्यूरियस और कॉन्शियसली को सुन रहे हो तो आप लाइन से ऊपर हो। साथ ही आप जो फील कर रहे हो उसे खुद को फील करने देते हो, और लास्ट में आप चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो और अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेते हो। लाइन से नीचे होने का मतलब है कि आपके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल है। ये कुछ टिपिकल बिहेवियर, एक्शन और फीलिंग्स हैं जो बताते हैं कि आप लाइन से नीचे हैं। जब आप लगातार खुद में और दूसरों में कमियां ढूंढने लगते हैं, आप बहस और गॉसिप करते हैं। इसके अलावा आप ये भी नहीं चाहते कि कोई आपके बिलीव्स को चेंज करे, इसलिए आप उन लोगों को नज़रअंदाज करने लगते हो जिनका ओपिनियन आपसे अलग होता है। आप जो भी करें, पहले खुद से पूछो क्या ये लाइन के ऊपर है या नीचे। इसका जवाब आपको यह तय करने में हेल्प करेगा कि क्या आपको अपने इमोशंस को जाने देना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है रिकॉर्डिंग योर इमोशंस। अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है? यह आपको आइडिया देने के लिए है कि कैसे और ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस किया जाए। इससे पहले कि आप ये करें, आपको अपने करंट इमोशनल स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। एक हफ्ते के लिए उन इमोशंस को ऑब्जर्व करो जो आप डेली फील करते हो। इसके लिए एक नोटबुक या पेपर भी चलेगा। 1 से 10 तक के स्केल पर अपनी फीलिंग्स को रेट करो, 1 सबसे बुरे के लिए और 10 बेस्ट के लिए। हर हफ्ते के एंड में इसे टोटल स्कोर दो। साथ ही आपको इन सवालों का जवाब भी देना होगा। आपने क्या नेगेटिव इमोशंस फील किए? इन फीलिंग्स की वजह क्या है? उस नेगेटिव इमोशन के एक्सपीरियंस और आपने उसका क्या मतलब निकाला उसे याद करो। क्या आपकी इंटरप्रिटेशन सही थी? वो उस सिचुएशन के फैक्ट्स के कितने करीब था? नेगेटिव इमोशंस को महसूस करने से रोकने के लिए आपने क्या किया? क्या ये नेचुरली हुआ या आपने उन्हें रिलीज करने के लिए कुछ किया? अगली बार इस नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करके आप 2 चीज अचीव करोगे। 1 ये कि आप हर हफ्ते उनके प्रति अवेयर रहोगे। इससे आप अपने पॉजिटिव मूड मेंटेन रख सकते हैं या खुद को खुश करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। दूसरा, आप नेगेटिव इमोशंस से छुटकारा पाने और खुश रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन कमाल के चैप्टर्स के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कंक्लूजन पर। फर्स्ट, आपने नेगेटिव इमोशंस के बारे में जाना। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जिसने हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने में मदद की थी। इसीलिए आपके अंदर भी अभी तक नेगेटिविटी बायस है। आपको इस नेगेटिविटी बायस से एक्टिव होकर लड़ना होगा, क्योंकि ये आपको खुश रहने से रोकता है। आपकी खुशी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप क्या करते हो और क्या सोचते हैं, ना कि इस बात पर कि आपके साथ क्या हो रहा है। सेकंड, आपने जाना कि इमोशंस टेम्प्रेरी होते हैं। आपको ये याद रखना होगा, खासकर तब जब आप नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हो। याद रखें कि सारी बुरी चीज़ें जल्द ही चली भी जाएंगी और आप उन्हें दूर कर सकते हो। थर्ड, आपने अपने नज़रिए को चेंज करने के बारे में जाना ताकि आप खुश रह सकें। उन अजम्पशंस को मत सुनो जो लोग आपके बारे में बनाते हैं, जैसे कि आपको शादी करने और घर बसाने की तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप खुद ना चाहें। आप जो नहीं चाहते उसे करके आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। फोर्थ, आपने जाना कि अपने इमोशंस को आने से मत रोको। अपने इमोशंस से डिटैच होकर ऑब्जर्व करो, उन्हें लेबल करो और आने दो। फिफ्थ, आपने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जाना। इमोशन एक साइन हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। हर थॉट और एक्शन के बारे में सोचो कि वो लाइन के ऊपर है या नीचे। लाइन के ऊपर से मतलब है कि उससे आपको फायदा होगा, और लाइन के नीचे से मतलब है कि वो आपके दुख की वजह बन सकता है। सिक्स्थ, आपने अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करने के बारे में जाना। आप क्या फील करते हो उसे नोट करते रहो ताकि आप खुश रहने के तरीके ढूंढ सको। हमेशा याद रखो कि आपके इमोशंस आपको डिफाइन नहीं करते। इमोशंस आते जाते रहते हैं। अच्छे इमोशंस आपको खुशी देने के लिए आते हैं, जबकि बुरे इमोशंस आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। इसीलिए आप दोनों को एक खुशहाल और एक भरपूर लाइफ जीने के लिए यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर यह अमेजिंग बुक समरी खत्म होती है। ये समरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए बुक समरी के साथ।